हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है मटन चापली कबाब या मटन कटलेट, अब जो चाहे नाम दे सकते हैं। मटन कीमा कबाब, जिसकी रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। चापली कबाब के लिए मैंने 1/2 किलो बोनलेस मटन लिया है। इसका फैट ना निकालें, जिससे कबाब सॉफ्ट बनते हैं। इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लें, अच्छे से धो के छोटे छोटे पीसेस में काट लें। और उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, कोरिएंडर पेस्ट और चिली पेस्ट को मैंने एक साथ ग्राइंड कर लिया है, वो 2 टेबल स्पून ऐड करें। और उसमें 2 टेबल स्पून चिल्ली पाउडर ऐड करें। वन एंड हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर और 1 1/2 टी स्पून गरम मसाला पाउडर, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। देखिए, मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसको कुकर में ऐड कर दें और 2 टीस्पून ऑयल ऐड करें। मटन को कुक होने में 15 मिनट्स लगेगा, इसलिए मैंने तब तक ऑनियन को मोटा मोटा काट लिया है। देखिए, मटन बनके तैयार है। उसमें हमने जो मोटा मोटा ऑनियन कट करके रख लिया था, तकरीबन 8 और 9 मीडियम साइज ऑनियन है, उसको उसमें ऐड कर देंगे और उसको अच्छी तरह से कीमा के साथ अच्छी तरह से कुक करना है। ऑनियन सॉफ्ट होना चाहिए और उसमें थोड़ा भी पानी नहीं रहना चाहिए। देखिए, ऑनियन का कलर भी चेंज हो रहा है, ऑनियन का वाटर रिलीज होगा। इसको अच्छी तरह से हिला हिला के ड्राई कर लेना है। इसको हिलाते रहना है क्योंकि नीचे से थोड़ा लग जाएगा। इसका वाटर कंप्लीट ड्राई होना चाहिए, नहीं तो कटलेट सीधे नहीं बनेंगे। और मैंने 5 और 4 ग्रीन चिलीज कट करके रख ली हूँ, इसको ऐड कर देंगे। और थोड़ा फ्रेश कोरिएंडर कट करके रख लिया है, उसको भी इसमें ऐड कर देंगे, जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 2 मिनट्स हिला के थोड़ा हाई फ्लेम पे कुक कर लेंगे। और उसको एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि पूरी तरह से ठंडा हो जाए, क्योंकि इसको मिक्सर में ग्राइंड करना है। ये अच्छी तरह से पूरा ठंडा होना चाहिए। और मैंने जार में 5 टीस्पून रोस्टेड चना लिया है, इसको ग्राइंड करना है। देखिए, मैंने ग्राइंड कर लिया है और ये मिक्सचर भी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। और इसको भी जार में डालें ताकि इसको भी ग्राइंड करना है। देखिए, मैंने जार में डाल लिया है। देखिए, ग्राइंड भी कर लिया है। इसी में जो हमने रोस्टेड चना को ग्राइंड कर लिया था, वही मिक्सचर इसमें ऐड कर देंगे और ग्राइंड कर लेंगे। और 2x
और मैंने 2x लिया है। इसको अच्छी तरह से बाउल में फेंट लेंगे क्योंकि इसमें डिप करके ऑयल में फ्राई करना है। इस मिक्सचर को अच्छी तरह से कटलेट के शेप देंगे। आप चाहे तो राउंड भी दे सकते हैं या ओवल भी दे सकते हैं। मैंने ऑयल भी ऑलरेडी गर्म करने के लिए रख दिया है। देखिए मैंने ओवल शेप में ऑयल में इसमें फर्स्ट एग में डिप की हूँ और ऑयल में छोड़ दिया है। इस तरह से ब्लैक स्ट्रिप्स आना चाहिए। आप ग्रिल पैन में करेंगे तो और अच्छा रिजल्ट आएगा। और एक ट्रे में टिश्यू बिछा के उस पर इस डाल लेंगे क्योंकि ऑयल पूरा अब्जॉर्ब हो जाएगा। देखिए परफेक्ट बन चुका है। और सेकेंड ट्रिप भी हम इसी तरह से फर्स्ट एग में डिप करेंगे और ऑयल में डाल लेंगे। आप चाहे तो राउंड शेप भी दे सकते हैं। मैंने ओवल शेप दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।